नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जल नीति ये जो क्रिया है, ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र है, उसकी क्लीनिंग करता है और हम इसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। तो हमें ये, अगर हम आज के समय में इस क्रिया को रेगुलरली करते हैं, तो ये हमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करते हैं, उनसे हम कुछ हद तक बच सकते हैं। उसके अलावा जो साइनस के समस्या लोगों को रहती है, कंटिन्यूस नाक बहना, सर दर्द, चेहरे में दर्द, इस तरह की जो समस्याएं हैं, डस्ट से रिलेटेड एलर्जी जो है, उसमें ये काफ़ी लाभप्रद है। और अस्थमा में भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है अगर इसको रेगुलर बेसिस पे किया जाए तो। और इसके अलावा माइग्रेन पेन जो कुछ लोगों में जो समस्याएं रहती है माइग्रेन पेन की, तो वो भी उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। जब हम जल नीति करते हैं तो जो जल अंदर जाता है वो हमारे ब्रेन को कूलिंग इफेक्ट देता है, तो उससे जो सर का दर्द है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मतलब माइग्रेन पेन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये हुए जल नीति के कुछ बेनिफिट्स। अगर हम रेगुलर करें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और बाद में आप चाहें तो जब सब नॉर्मलाइज हो जाए तो आप वीक में 2 बार या 3 बार करें तो वो सफिशिएंट है। रेगुलर करने का आपको ज़रूरत नहीं रहेगा। चलिए अभी देखते हैं कि इसको कैसे करना है, इसकी करने की क्रिया कैसे है और इसको करने के लिए हमको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो जल नीति जो है ये क्रिया बहुत ही आसान है, इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जितना आसान है उसी हिसाब से इसके जो फ़ायदे और नुकसान हैं वो दोनों साइड हायर साइड है। मतलब अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो इसका नुकसान भी आपको थोड़ा ज़्यादा रहता है, और इसके फ़ायदे जैसे मैंने आपको गिनाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और जनरली हम उसको देख के ही मतलब ऐसा सोचते हैं कि हमसे ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करने पर इससे घबराएं नहीं। 2-3 बार आप एक बार करके देखेंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे, हो सकता है शुरू में पानी थोड़ा अंदर चला जाएगा प्रॉपर पोजीशन ना होने से, तो उससे थोड़ा आपको अंदर इचिंग होगा, पानी अंदर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा हो सकता है सर भारी हो जाए, सर में दर्द हो जाए। और अगर आप ठंडे पानी से इसको कर लेते हैं हो सकता है कि थोड़ा जुकाम भी हो सकता है, तो थोड़ी सावधानियाँ हमको रखते हुए इसको करना है। तो सावधानियों में सबसे पहला है कि हमें इसको जो ठंडे पानी से नहीं करना है, क्योंकि जुकाम हो सकता है। हमको इसको ल्यूकवॉर्म या नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का जो पानी है वही यूज करना है। अब जो पानी है इसके अंदर हमें बिना नमक के उसको उनको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक साइंटिफिक रीज़न आ जाता है, ऑस्मोसिस क्रिया जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा समझेंगे तो इस तरह से ये वर्क करता है कि जो पानी है वो लो कंसेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे नमक की मात्रा कम है, और दूसरा एक बीच में आप झिल्ली रख दीजिए जिसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, पोर्स हैं, जैसे कि हमारे नाक की जो नेजल ट्रैक की जो स्किन है वो जितनी पोरस है, या फिर अपनी बॉडी स्किन है उसमें भी पोरसिटी छोटा छोटा छिद्र रहता है, तो उसमें से पानी आ जा सकता है। तो लो कंसेंट्रेशन यानी कम नमक वाला पानी, और दूसरी तरफ अगर ज़्यादा नमक वाला पानी रखेंगे तो कम नमक वाला जो पानी है वो दूसरे पानी को डाइल्यूट करने के लिए, मतलब अपने जैसा बनाने के लिए इस पोर्शन से दूसरे पोर्शन में चला जाता है। तो ये ऑस्मोसिस क्रिया होती है जो हम जल नीति करते हैं। तो इस तरह से अगर अपन पानी में नमक कम डालें या नहीं डालेंगे तो पानी है वो हमारे नाक के छिद्रों में अवशोषित हो जाएगा, जिससे नाक में पानी बहने की समस्या पैदा हो सकती है लॉन्ग टर्म करने पर। और उसी तरह अगर नमक आवश्यकता से अधिक अगर अपन ने डाला, एक्स्ट्रा में यूज़ किया,
तो हमारे जो नाक का छिद्रों में जो फ्लूइड ऑलरेडी रहता है वो भी इस जल के साथ में ऑस्मोसिस इफेक्ट की वजह से बह के चला जाएगा, जिससे हमारे नाक के ड्राई रहने की समस्या उत्पन्न हो सकती है कुछ समय या लगातार 15-20 दिन करने के बाद में ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं कि इसमें नमक कौन सा यूज़ करें। तो नमक जो है हमको इसमें नॉन आयोडाइज नमक यूज़ करना है, क्योंकि आयोडाइज नमक में जो आयोडीन कंटेंट होता है वो कुछ लोगों में जो नेजल ट्रैक है उसका उसमें इरिटेशन या इचिंग पैदा कर सकता है। तो मतलब आपको ऐसा खुजली जैसा फील होगा और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा। तो जो नमक हमको यूज़ करना हुआ है साधारण नमक, बिना नॉन आयोडाइज नमक, या फिर सेलाइन वाटर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। और बेहतर होगा कि हम जो है रॉक सॉल्ट यूज़ करें, क्योंकि रॉक सॉल्ट में ऑलमोस्ट 84 टाइप्स ऑफ मिनरल्स रहते हैं, और जो हमको ये साइनस की समस्या है उसमें भी बहुत लाभप्रद है। अब बात आती है क्वांटिटी कितना यूज़ करें नमक की, तो उसके लिए बेसिक एक फंडा ये हम ध्यान में रख सकते हैं कि हमको पानी को उतना ही नमकीन रखना है जितना कि आप देखिए जैसे आंसुओं का स्वाद तो हम सभी ने लिया ही होगा, सो पानी उतना नमकीन हो जितना कि हमारे टीयर्स में अप्रोक्स 1% सॉल्ट होता है, जबकि हमारा जो नेजल ट्रैक है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है म्यूकस जो बनता है उसमें 1-2% तक नमक होता है। तो ये ऑस्मोसिस इफेक्ट उस पर काम नहीं करे, इसलिए हमको जो पानी का कंसंट्रेशन नमक का जो हमको पानी में बनाना है वो 1% के आसपास हमको रखना है, यानी एक चुटकी डेढ़ चुटकी नमक हमको हमारे पात्र में डालना है। बेसिकली हमारा जो नाक है वो एक फिल्टर की तरह काम करता है, और जब हम सांस लेते हैं जो भी डस्ट या एलर्जेटिक कुछ पार्टिकल होता है, या फिर जैसे अभी कोरोना के बारे में हम सुन रहे हैं कि जब भी कोई छींकता है तो जो ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में रह जाती है वो हमारे सांस के साथ अंदर जाती है, तो बेसिकली वो सबसे पहले हमारे जो नाक के अंदर जो बाल रहते हैं वो एज ए फिल्टर काम करते हैं, और वो इसको नेजल ट्रैक में रोक लेते हैं, और फिर वो धीरे धीरे हमारे स्किन में जो नेजल ट्रैक का स्किन है उसमें अवशोषित होते हैं और हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो उसका क्लीनिंग अगर अपन इस समय में डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। ये मैंने नमक अपने हिसाब से लिया है, एक डेढ़ चुटकी नमक है, ये ल्यूकवॉर्म वाटर मैंने पहले से इस पात्र में भरा है। ये जो पात्र है जल नीति के लिए स्पेशल, थोड़ा इसमें आगे ये नोजल टाइप होता है ताकि पानी इधर उधर गिरे नहीं, तो ये हम यूज़ करेंगे। और मार्केट में थोड़ा इजीली अवेलेबल नहीं है फिजिकली, तो आप चाहें तो इसको आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए, मैंने अमेजोन से मंगवाया है। सो और एक तौलिया रखेंगे, इसको जल नीति को करते वक्त सबसे एक सावधानी वाला जो पॉइंट है वो है कि हमको अपना मुंह जो है ओपन रखना है, ब्रीदिंग है वो हमको मुंह से करनी है। अगर हमने इसको करते वक्त अपना मुंह बंद रखा तो जैसे ही हमारे लंग्स एयर अंदर खींचेंगे तो हमारा जो पानी है वो अंदर चला जाएगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें नमक अपन मिक्स कर लेते हैं, अभी बात आती है पोजीशन की, लेकिन उसके लिए हमको एक इसका अपने गर्दन का एक प्रॉपर स्लोप, एक एंगल रखना पड़ेगा, और उसको ज़्यादा टिल्ट करेंगे तो हमारे पानी जो है वो अंदर चला जाएगा, तो इसलिए उसको प्रॉपर एक स्लोप मेंटेन करना पड़ेगा। आइए देखते कैसे करना है इसको। दूसरी तरफ से ट्राई करते हैं, साथ में तौलिया रखें,
तो आप ये करने से पहले भी कपालभाति करें, वैसे करने के बाद तो करना ही है, और हमको अलग अलग एंगल पे अपना सर रखते हुए इसको करना है ताकि पानी कहीं भी अटका हुआ हो तो निकल जाए। ये कपालभाति जो जनरली हम लोग करते हैं, वैसे थोड़ा बीच बीच में एक नाक बंद करके भी कर लेंगे। तो एक्चुअली मॉइस्चर कंटेंट जो है वो अंदर नहीं रहना चाहिए, अगर वो रहेगा तो नाक बहना या ज़्यादा म्यूकस बनना वो समस्या हो सकती है। इसलिए मॉइस्चर कंटेंट है ये पानी जो रुका है अंदर उसको प्रॉपर क्लीन कर लें। इस तरह से आप अपना पानी जो है वो निकाल दें, और बीच बीच में अगर ऐसा लगे कि पानी ऊपर चला गया है तो आप ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा पानी का जो कहीं अटका हुआ हो तो उसको भी फिर साथ में आप वापस से कपालभाति क्रिया दोहराएं और पानी जो बचा हुआ है वो निकाल दें। रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो हमको काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और एटलीस्ट इस समय में तो आप करिए। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।